और बताइए इसके इस प्रदेश के बारे में, शारजा के बारे में, क्योंकि आप यहाँ पे शारजा ही रहते हैं कितने सालों से? इधर 14 ही साल से इधर हैं, इधर ही 14 साल से रहता है। तो आपको तो काफी नॉलेज होगा इस शहर के बारे में। इधर जो गवर्नमेंट है ना, शारजा का जो हिसाब है, इधर कानून से रहो, जो कानून जो बोलता है उससे बासो, जो कानून बोलता है उससे, वो जो कानून है उसमें मानो। कानून में बताइए क्या है? कानून बोलता है वीसा लगाओ, आईडी पास रखो, और जो इधर जो कानून है कानून मुताबिक रहेगा, पुलिस भी कुछ नहीं बोलेगा। इधर इजी है, वो लोग बोलते हैं कानून में रहो तो तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं देगा कोई। यस वो हेल्प करेगा। कोई आदमी कुछ मुश्किल फंसेगा, पुलिस के पास कंप्लेन करो, वो सही करेगा। अगर तुम कानून में नहीं रहेगा तो इधर हर कदम रिक्स है। कानून में रहेगा तो 100 साल नहीं है, तुम 15 साल रहो, 100 साल रहो, मुश्किल नहीं है। तो मतलब लोगों को आपने अच्छा नॉलेज शेयर कर रहे हैं कि आप कानून के उल्लंघन का पालन उल्लंघन नहीं कीजिए, उनका नियम जो भी रूल उनका फ्लो कीजिए, रूल फ्लो कीजिए, तब आप बेहतर कहीं कर सकते हैं, रह सकते हैं। तो आपका क्या राय है इसमें बताइए, कुछ और बताइए, आपका क्या राय है? आपका नाम क्या है? मोहम्मद शमीम। मोहम्मद शमीम जी, आप कहाँ से हैं? आप वो बांग्लादेश से। बांग्लादेश से? आप भी बांग्लादेश से हैं? बांग्लादेश, हम दोनों से एक साथ में एक ही। तो बताइए बांग्लादेश में आप कैसे आप समझते हैं? आपको यहाँ पे काफी वक्त हो गया रहते हुए, पुराना हो गया, रहता है। हाँ हाँ। अभी जो 7 दिन छुट्टी मिला, थोड़ा हाँ। रिलैक्स हो गया, दिल खोल के घूमता है, वो अच्छा बनाता है। अभी तक आता है कि अबू धाबी जाता है, दिल कहते हैं जाता है घूमने के लिए, तो रिलैक्स मिलता है, तो जब छुट्टी मिलेगा तो एक अलग कुछ होता है, सब कुछ मजा ही मिलता है। क्योंकि काम का टाइम हम लोग का दिमाग भी बोर हो जाता है, तो छुट्टी मिलता है, थोड़ा रिलैक्स मिलता है।